सो फाइनली गाइस, अभी हम कात्यायनी शक्तिपीठ के जो द्वार है अधर देवी जी का, वहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ से कुछ 300 सीढ़ियाँ ऊपर चलकर हमको जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमारी माँ अधर देवी, जो 51 शक्तिपीठों में से 15वां शक्तिपीठ माना जाता है, वहाँ पर उनकी पूजा होती है। तो चलते हैं अभी ऊपर, देखते हैं क्या होने वाला है। दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ने से पहले अगर आप यहां फोटो शूट करना चाहे तो कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए आपको यहां पर अलग अलग प्रकार की पोशाक रेंट पर मिल जाती है। और हमने प्रसाद लिया और प्रसाद की कीमत मात्र 100 रुपए थी। और उसके बाद हम ऊपर चढ़ने की शुरुआत किए। करीब 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक छोटा सा हवन कुंड है। उसके बाजू में यहाँ पे बहुत सारे मंकी यानी बंदर लोग रहते हैं। बंदर लोग को कुछ खाने को देना ऐसे अलाउ नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं कुछ ना कुछ उसको खाने को देते हैं। और जब बंदर को कुछ नहीं मिलता खाने को, तो किसी ना किसी का सामान जो प्रसादी होती है वो छीन के भाग जाते हैं। मैं साथ में आपको हवन कुंड का भी दर्शन कराऊंगा। है कि नहीं? सो गाइस, फाइनली अभी हम श्री अर्बुदा देवी मंदिर में पहुंचे हैं। सामने मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जस्ट 2 सेकंड वेट। 300 आपको पता है, इतने जल्दी नहीं चले जा सकते, टाइम लगता है। बट मैं हमने रनिंग करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया है। ओके गाइस, तो मैं आपको बता दूं, अंदर हम फ़ोन अलाउ नहीं करते, साथ कैमरा अलाउ करें, ठीक है। फ़ोन तो हमें जमा कराना पड़ेगा, कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से देख लो यार, दर्शन कर लो बहुत है। तो गाइस, तुम्हारा भाई मंदिर के अंदर जाके आ चुका है अभी, जस्ट रिसेंटली मैं अभी बाहर आया। और अभी अपना इधर से जाएगा नीचे, 300 सीढ़ियाँ वापस उतरेगा। इधर मंकी बहुत सारे, देखो क्या दो मंकी क्या देखो, मंकी तो इधर हो गया। बट मैं ऊपर जा के ना भाई, तो मंकी जो जंप ले रहे थे ना, मुझे लग गया भाई तो फोनों सब क्या आते हैं, बट बच गया। और यहाँ पे माता जी की अखंड ज्योति जलती है, देखो हमेशा जलती रहती है, कुछ मान नहीं है इधर, कुछ ऐसा है ना, पहाड़ों पर जलती है। जय श्री राम, जय अम्बे। गाइस, मेरे और असल में सर तो लगी थी, ऊपर सबसे पहले कौन पहुँचेगा? मैं बंदा नीचे ही, कब का ऊपर पहुँच के नारे लगा रहा था जय श्री राम के, ठीक ना। आपको सब पब्लिक का अटेंशन लूँ, देखो आपके सामने मैं लेता हूँ। देखो भाई, मैं भी बहुत ऊपर हूँ, वो वहाँ पे देखो तो ब्लास्ट हो दिख रहा, रेड का कदा दिख भी नहीं रहा आपको तो लास्ट में। भाई वहाँ से आ रहे हम दौड़ दौड़ के, बताओ ऊपर चढ़ के, आप नीचे कहते हो ना, मेरे को नहीं पता भाई नीचे गिरा सही पे क्या, बहुत ऊपर आया हूँ मैं। ओ भाई मैं कहाँ पहुँच गया, पता नहीं कहाँ पहुँच गया भाई, बहुत ऊपर आ गए, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। दोस्तों, जाने अनजाने में हम वहाँ चले गए जहाँ पर सिर्फ 5 से 6% लोग जा पाते हैं, जहाँ पर जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जहाँ पर जाने से अधर की देवी की जो परिक्रमा होती है वो पूरी मानी जाती है। नाम है शांति शिखर। अगर आप यहाँ पर आते हो तो एक बार शांति शिखर पर जरूर आए। आइए थोड़ी शांति शिखर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। शांति शिखर एक लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग गंतव्य है,
1300 मीटर की ऊंचाई वाला शांति शिखर एक मृत ज्वालामुखी शिखर है। बर्ड आई माउंट आबू की भूवैज्ञानिक स्थिति है। हम मौज मस्ती और उत्साह से भरी इस पर्वत चोटी पर ट्रैकिंग, लंबी पैदल यात्रा, निर्देशित यात्रा की पेशकश करते हैं। इस ट्रैकिंग गंतव्य की अवधि 2 से 3 घंटे है, लेकिन यदि आप जारी रखते हैं तो टेबल रॉक, लेपर्ड लैंड, क्रेग्स पॉइंट है, तो ट्रैक लगभग 4 घंटे से लेकर पूरे दिन की ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा तक चला जाता है। शांति शिखर का नाम एक जैन भिक्षु शांति के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लगभग 100 साल पहले यहां रहकर आध्यात्मिकता का अभ्यास किया था। ऊपर से माउंट आबू शहर, जंगल और पहाड़ों का सुंदर दृश्य मन को मोह लेता है। अर्बुदा माता जी का मूर्ति मंदिर के पास एक जो पत्थर है, ऊंचा मंदिर से भी ऊंचे एक पत्थर है, पर्वत है। हम उस पर्वत श्रृंखला पे बैठे हुए मैं और अतुल भाई देखे, एकदम शांति से आराम से बैठे, देखे एकदम शांत मन से, एकदम ठीक है, कैसा बैठा है? बहुत शांति है। और यहाँ पे इतना शांति, मैं देखिए आवाज़ कर बोल रहा हूँ फिर भी उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आएगी। बादल देखे, मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ, मैं पहले ऐसा बादल देखो मुझे ऐसा लगता था बहुत ऊँचा, बहुत ऊँचा है। आज मैं बादलों के बीच में बैठा हूँ, बहुत एकदम कूल, एकदम कूलिंग, एकदम बहुत मस्त फील कर रहा हूँ। तो हम 120 सीढ़ियाँ कुछ उतरे हैं अभी, बहुत सारी बाकी 365 सीढ़ियाँ हैं, तो बस अब रिटर्न चलते हैं, बहुत थक चुके हैं। और उसके बाद एक लेक है वहाँ पे साइड जा रहे हैं, फूल मजे करते हैं। थैंक यू भैया, ठीक है। हाँ, ये छोटा मोगली मिला था मुझे, हाय बोल, हाय हाय, बात की रहा है, ठीक है। बहुत मजा आया यार मंदिर में जाके, हम जिस पर्वत पे बैठे थे उसका नाम था शांति शिला। वहाँ पर शांति बहुत थी, जैसा मैंने आपको ब्लॉग आप पूरा देखेंगे ना आपको उसके अंदर पता चल जाएगा। मैं वहाँ पे जो भी आवाज़ कर रहा हूँ सिर्फ मेरी आवाज़ आई, हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी उसकी आवाज़, बाकी कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांति शिला थी। वहाँ पर कोई नहीं जाता, 5% लोग जाते हैं जिनको पता होता है, मुझे पता नहीं था फिर भी मैं चले गया। माता की दुआ थी, माता का आशीर्वाद था, बस पहुँच गया। थैंक यू।